के साथ दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं आ चुकी हूँ अपना नया ब्लॉग लेके और मैं आज जाने वाली हूँ रोप वे पे जो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बनी हुई है और आज हम इस रोप वे को एक्सप्लोर करेंगे दोस्तों। तो ये आ रहे हैं दोस्तों रोप वे और हम लोग इसी रोप वे पे बैठ के जाने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग टिकट लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम रोप वे पे जाने वाली हूँ और यहाँ का व्यू भी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है ये जगह है और यहाँ से हम लोग टिकट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम टिकट लेने जाते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा टिकट रूम और आज मैं वीकेंड पे आई हूँ तो बहुत भीड़ है और लाइन में भी लगी हूँ दोस्तों। आप देख सकते हो कितना भीड़ है अंदर टिकट रूम में। ये टिकट काउंटर के पास मैं टिकट ले रही हूँ। दोस्तों हम लोग टिकट ले चुके हैं और टिकट का फेयर है 100 रुपीज़ पर पर्सन वन वे का, और टू वे का लेंगे तो 200 रुपीज़ है दोस्तों। तो दोस्तों चले अब हम आपको ले चलते हैं रुपए के ऊपर जाने के लिए, रेडी होइए। तो दोस्तों हम लोग यहाँ लिफ्ट से जाएंगे ऊपर रोपवे टर्मिनल पे। नो टिकट नो एंट्री, तो दोस्तों टिकट लेना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये है रोपवे टर्मिनल और रोपवे आ रही है, हम लोग इसी रोपवे से जाएंगे। तो दोस्तों आ चुके हैं हम लोग रोपवे के अंदर और देखिए कितना खूबसूरत व्यू दिख रहा है। दोस्तों आप लोग ब्रह्मपुत्र रिवर का खूबसूरत व्यू दिखना चाहते हो तो एक बार इस रोपवे में ज़रूर आए और इसका आनंद उठाएं। दोस्तों इस रोपवे का कैपेसिटी है 30 पैसेंजर और एक ऑपरेटर। तो चलिए दोस्तों हमारा जर्नी अब स्टार्ट होती है यहीं से। तो दोस्तों ये रोपवे इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे है और इसकी शुरुआत अगस्त 2020 में हुई थी। ये गुवाहाटी का दो हिस्सों को कनेक्ट करता है, एक तरफ नॉर्थ गुवाहाटी है और एक तरफ साउथ गुवाहाटी है और इसकी लंबाई 1.82 किलोमीटर है। और दोस्तों हमें इस जर्नी में लगेगा 8 से 10 मिनट। ये देखिए दोस्तों हमें कितना खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर का। दोस्तों अभी नदी में पानी थोड़ा सा कम है क्योंकि अभी विंटर सीजन है, बहुत दिनों से बारिश हुआ नहीं है। बारिश के सीजन में बहुत ज़्यादा पानी होती है दोस्तों, इसका फ्लो बहुत होती है। दोस्तों ये जो आपको आइलैंड दिख रही है इसका नाम है पिकॉक आइलैंड और ये दुनिया का सबसे छोटा रिवर आइलैंड है और इस पे उमानंदो टेम्पल है और गुवाहाटी में इसको उमानंदो के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोग जब भी गुवाहाटी आए तो उमानंदो का विजिट ज़रूर करें और इसका ब्लॉग हम लोग बना चुके हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग उमानंदो का ब्लॉग देख सकते हो दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे एक बार में दो रोपवे चलती है, एक साउथ गुवाहाटी से और एक नॉर्थ गुवाहाटी से। देखिए हम लोग कितना नज़दीक से दूसरा रोपवे को देख रहे हैं और ये कितना नज़दीक है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है।
और ये हमारी तरफ आ रहा है, आ रहा है, ये बाय बाय। दोस्तों आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना भूल गई थी, ये रोपवे सेकेंड थर्सडे और फोर्थ थर्सडे को बंद रहती है। दोस्तों ये है नॉर्थ गुवाहाटी का टर्मिनल और हम लोग आ चुके हैं नॉर्थ गुवाहाटी। फर्स्ट टाइम ही आए हैं वो भी रोपवे से, तो हम लोग बाहर का कुछ कुछ घूमते हैं, देखते हैं कैसा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, हम देखते हैं नीचे क्या क्या है। अगर आप बाहर से हो तो आसाम आने से रोपवे जरूर आइए, और यहाँ नॉर्थ गुवाहाटी में डोल गोविंदो हरे कृष्ण सब दर्शन करके जाएगा। और आज हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि हम लोगों के पास आज टाइम नहीं है, और इस वजह से हम लोग नहीं जा रहे हैं। इसका अगला ब्लॉग हम लोग आप लोग को बनाएंगे डोल गोविंदो और हरे कृष्ण टेम्पल का। नारियल पानी पीजिए, बहुत टेस्टी है, बहुत मीठा है और बहुत सारा पानी है इसमें। रोपवे का मजा लीजिए नारियल पानी के साथ दोस्तों। दोस्तों अभी हम लोग नॉर्थ गुवाहाटी है और हम लोग अब जाएंगे साउथ गुवाहाटी जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ से हम लोग आए। दोस्तों आप सभी को मेरा ये आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे से ऐसे ही अच्छा अच्छा ब्लॉग्स लाती रहूँ आप सबके लिए। और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना फैमिली फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते अपना नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।